व्यूअर, स्टिचिंग के लिए सबसे पहले फ्रंट पार्ट की जिस साइड पे हमें बटन लगाने हैं इस साइड को हम नीचे की तरफ टर्न ही रहने देंगे, लेकिन जिस साइड पे हमें काज करवाने हैं इस साइड को हम कैंची से यहाँ से कट कर देंगे। जितने कपड़े को हमने अंदर की तरफ फोल्ड किया था इतने कपड़े को हम कट कर देंगे। व्यूअर्स, इस पट्टी को हम बाद में जॉइंट करेंगे। अब हम शोल्डर से सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ 8 इंच नीचे इस तरह से 1/2 इंच का प्लीट देंगे। और इस प्लीट के अंदर हम पॉकेट के इस कैप को सेट करेंगे इस तरह से। व्यूअर्स, पॉकेट के इस कैप को बनाने का तरीका और इसके ऊपर जो हमने एंकर स्टिचेस लगाए हैं वो हम अभी आपको समझाएंगे कि हमने ये इस कैप को कैसे तैयार किया। व्यूअर्स, कैप बनाने के लिए सबसे पहले हमने कपड़े के 4.5 इंच लंबे और 3 इंच चौड़ाई में पीस लेके इसके ऊपर फ्यूजिंग को चिपकाया और इसके साथ सादे पीस को जोड़ के हमने साइड में सिलाई लगाई। इसके कॉर्नर्स को कट करके हमने इन तीनों साइड्स में सिलाई लगाई और अब हम इसको पलट के सीधा करेंगे। और सीधा करने के बाद हम इसको इस्त्री से सेट करेंगे। व्यूअर्स, अब हम पॉकेट की इस कैप पे एंकर स्टिचेस लगाएंगे। व्यूअर्स, एंकर थ्रेड बनाने का तरीका मैं पहले भी अपनी एक वीडियो में सिखा चुकी हूँ, अब मैं दोबारा से समझा देती हूँ कि हमने धागे को 4-5 मरतबा इस तरह से डबल किया। डबल करने के बाद हमने इस तरह से इसको ट्विस्ट किया। ट्विस्ट करने के बाद हमने बोबिन में फिल किया। बोबिन के इसके स्क्रू को हमने लूज़ किया और ऊपर से हमने टेंशन को टाइट किया और अब हम इसको मशीन में सेट करेंगे। और अब हम यहाँ एंकर स्टिचेस लगाएंगे। व्यूअर्स, इस तरह से ये हमारा दूसरा कैप भी रेडी हो चुका है। अब हम इसको शर्ट के साथ स्टिच करेंगे। व्यूअर्स, पॉकेट के इस कैप को हमने ऊपर से सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए 8 इंच के फासले पे और इस प्लेकेट से 1.5 इंच के फासले पे सेट किया है। अब हम इस प्लीट के ऊपर एक सिलाई लगाएंगे और उसके बाद उल्टी साइड से एंकर स्टिचेस की सिलाई लगाएंगे। व्यूअर्स, इसी तरह से दूसरी साइड जिसको हमने अंदर की तरफ टर्न किया है यहाँ भी हम प्लीट के ऊपर सिलाई लगाएंगे। व्यूअर्स, हमने दूसरी साइड में भी सिलाई लगा ली है। अब हम एंकर स्टिचेस की सिलाई लगाएंगे, उसके बाद हम यहाँ इस कैप के नीचे पॉकेट को सेट करेंगे। व्यूअर्स, हमने दोनों साइड्स में एंकर स्टिचेस की डबल सिलाई लगा ली है। अब हम यहाँ शोल्डर पर डिज़ाइन देंगे। व्यूअर्स, हमने शोल्डर पर डिज़ाइन देने के लिए शोल्डर कट के मुताबिक ट्रायंगल शेप में पीस कट किया है। इसको हम यहाँ पे कॉर्नर पे सेट करेंगे और ये हमने ब्लैक स्ट्रिप तैयार की है। ब्लैक कपड़े को हमने डबल करने के बाद अंदर सिलाई लगाने के बाद इसको पलट के सीधा किया है। अब हम इसको इधर कॉर्नर पर सेट करेंगे और यहाँ इस ट्रायंगल शेप में हम एंकर स्टिचेस की डबल सिलाई लगाएंगे। तो सबसे पहले हम इसको इधर पिन अप करेंगे।
व्यूअर्स, हमने एक साइड के शोल्डर कट के ऊपर हमने एंकर थ्रेड से डबल सिलाई लगा ली है। अब हम इस ब्लैक पट्टी के ऊपर हल्के येलो कलर में एंकर स्टिचेस लगाएंगे। तो व्यूअर्स, ये हमारा एक साइड का डिज़ाइन रेडी हो गया है। इसी तरह से अब हम दूसरी साइड का डिज़ाइन रेडी करेंगे। व्यूअर्स, अब हम इस पॉकेट के कैप के अंदर इस पॉकेट को सेट करेंगे इस तरह से। व्यूअर्स, हमने 4.5 इंच चौड़े और 5 इंच लंबे पीस को 1 इंच ऊपर से टर्न करके इसके कॉर्नर्स को टर्न करने के बाद हमने पॉकेट की शेप दी है। अब हम इसके ऊपर भी इस ब्लैक पट्टी को इधर सेंटर में सेट करेंगे और इसके ऊपर येलो कलर में एंकर स्टिचेस लगाएंगे। इसको नीचे से भी इस तरह से टर्न करेंगे और फिर इसको इस पॉकेट के कैप के नीचे इस तरह से सेट करेंगे। इस तरह से व्यूअर्स, हमने पॉकेट को रेडी कर लिया है। अब हम इस कैप के नीचे इसको इस तरह से सेट करेंगे। व्यूअर्स, हमने पॉकेट को सेट कर लिया है। अब हम इसी सिलाई के ऊपर ऊपर एंकर थ्रेड से सिलाई लगाएंगे और इसी तरह से दूसरी पॉकेट को भी इधर सेट करेंगे। व्यूअर्स, हमने दोनों साइड्स में पॉकेट को सेट कर लिया है। अब हम इस साइड पे, जिस साइड पे हमें काज करवाने हैं, हमने 2 इंच पट्टी को कट किया था। इस पट्टी पर हमने दोनों साइड से सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए सेंटर में फ्यूजिंग को चिपका लिया है। अब हम इस साइड पे इसको नीचे की तरफ सेट करने के बाद यहाँ पे सिलाई लगाएंगे और फिर ऊपर की तरफ टर्न करने के बाद यहाँ भी एंकर थ्रेड से सिलाई लगाएंगे। व्यूअर्स, अब हम यहाँ एक पैर के मार्जिन से एंकर थ्रेड से डबल सिलाई लगाएंगे। व्यूअर्स, अब हम बैक पार्ट के साथ तीरे को अटैच करेंगे। तो तीरे की एक साइड को हम इस तरह से सेट करेंगे और दूसरी साइड को हम दूसरी साइड पे सेट करने के बाद सेंटर से सेंटर मिलाते हुए यहाँ पे तीरे को बैक पार्ट के साथ जॉइन करेंगे। व्यूअर्स, अब हम स्लीव्स के सेंटर में भी डिज़ाइन बनाएंगे। तो उसके लिए हमने 8 इंच लंबी और 1.5 इंच चौड़ी फ्यूजिंग की पट्टी को कट किया है। अब हम इसको इस तरह से डबल करेंगे और यहाँ से 1/2 इंच का गैप लेते हुए वी शेप में इस तरह से निशान बनाएंगे और यहाँ से इस तरह से वी शेप में कट लगाएंगे।
व्यूज़, ये हमने सेंटर में वी शेप में कट लगाया है। अब हम इस कपड़े पे इस स्ट्रिप को इस तरह से दोनों साइड से सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए सेंटर में चिपकाएंगे। व्यूअर्स, अब हम यहाँ वी शेप में कट लगाएंगे और कपड़े को फ्यूजिंग की साइड में टर्न करेंगे। व्यूअर्स, अब हम इस डिज़ाइन को स्लीव की उल्टी साइड में इस तरह से जॉइन करेंगे और उसके बाद सीधी साइड की तरफ इस तरह से टर्न करेंगे। व्यूज़, हमने ये सिलाई लगा के इसको ऊपर की तरफ टर्न करके इस तरीके से सेट कर लिया है। अब हम यहाँ किनारे किनारे पे सिलाई लगाएंगे, उसके बाद हम एंकर थ्रेड से यहाँ पे डबल सिलाई लगाएंगे। व्यूअर्स, हमने स्लीव्स को रेडी कर लिया है। अब हम शर्ट के फ्रंट और बैक गले की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट गले की कटिंग के लिए हम इन दोनों साइड्स को इस तरह से पकड़ के इस तरह से टर्न करेंगे। व्यूअर्स, हमारा कॉलर है 16.5, तो हम उस हिसाब से गले की कटिंग करेंगे। तो गले की लंबाई हम 2 इंच तक लेंगे और गले की चौड़ाई हम 2.5 इंच तक लेंगे। इस तरह से हम गोल शेप बनाएंगे। तो अब हम इसको कट करेंगे। व्यूअर्स, अब हम बैक गले की कटिंग करेंगे। तो बैक गले को हम 1/2 इंच तक कट करेंगे। और यहाँ से हम 2.5 इंच तक लेंगे और इस तरह से यहाँ से स्ट्रेट कट और यहाँ से हल्का सा गोल शेप देंगे। तो व्यूअर्स, हमने गले की कटिंग कर ली है। अब यहाँ हम तीरे को जॉइन करेंगे इस तरह से। व्यूअर्स, तीरे को फ्रंट पार्ट के साथ जॉइन करने के लिए सबसे पहले हम तीरे की एक साइड को फ्रंट साइड के साथ इस तरह से जॉइन करेंगे और यहाँ इस दूसरी साइड को इस दूसरी साइड के साथ इस तरह से जॉइन करेंगे। व्यूज़, हमने एक साइड को तीरे की एक साइड के साथ जॉइन कर लिया है। अब हम दूसरी साइड को इस तरह से घुमा के इस तरह से जॉइन करेंगे। व्यूअर्स, हमने एक साइड को मुकम्मल कर लिया है। इसी तरह से हम दूसरी साइड को भी मुकम्मल करेंगे। व्यूअर्स, दूसरी साइड को हम दूसरी साइड पे इस तरह से टर्न करने के बाद यहाँ से सिलाई स्टार्ट करेंगे। व्यूज़, हमने तीरे को जॉइन करके प्रेस कर लिया है।
अब हम दोनों तरफ की साइड सिलाई लगाएंगे और उसके बाद शर्ट के किनारों को हेम करेंगे। व्यूअर्स, हमने साइड सिलाई लगाने के बाद शर्ट के किनारों को हेम कर लिया है। अब हम यहाँ स्लीव्स को ज्वाइन करेंगे। व्यूअर्स, हमने स्लीव्स की फिटिंग को 7 इंच लेने के बाद इनर स्लीव की सिलाई लगा ली है। अब हम स्लीव्स को शर्ट के साथ ज्वाइन करेंगे, तो उसके लिए हम शर्ट की उल्टी साइड में इस तरह से स्लीव की सीधी साइड को यहाँ साइड सिलाई से इनर स्लीव की सिलाई मैच करते हुए यहाँ पे पिन लगाएंगे। और इसी तरह से तीरे का सेंटर करते हुए स्लीव का सेंटर इसके साथ मिलाएंगे और यहाँ पे पिन लगाएंगे। और अब हम यहाँ इस सिलाई से सिलाई स्टार्ट करेंगे। ये हमने एक स्लीव को ज्वाइन कर लिया है, इसी तरह से हम दूसरे स्लीव को भी ज्वाइन करेंगे। व्यूअर्स, अब हम कॉलर को रेडी करेंगे। तो सबसे पहले हम कॉलर के डबल पीस में से सबसे बड़े पीस को इस तरह से कपड़े पे चिपकाएंगे और उसके बाद दूसरे पीस को नीचे से गैप छोड़ते हुए पहले कॉलर के बिल्कुल ऊपर इस्त्री से सेट करेंगे इस तरह से। व्यूज, ये ट्रायंगल शेप में पीस होते हैं, ये कॉर्नर को स्ट्रांग बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये भी हम इस्त्री से इस तरह से यहाँ पे चिपकाएंगे।
व्यूअर्स, अब हम इस बैंड का अदर को कपड़े पे चिपकाएंगे। व्यूअर्स, अब हम बैंड कॉलर के दूसरे पीस को यहाँ पे सेंटर में, यहाँ कट वाली साइड से सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ सेंटर में चिपकाएंगे। व्यूअर्स, ये हमारे पास कॉलर और बैंड दोनों के लिए कपड़े का डबल पीस है। तो अब हम यहाँ कॉलर की नोक के बिल्कुल ऊपर पेन से निशान लगाएंगे, और जब हमारी सिलाई यहाँ निशान तक पहुँचेगी तो हम यहाँ कॉर्नर को पलटने के लिए धागे का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हम सिलाई को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे और यहाँ भी कॉलर की नोक के बिल्कुल ऊपर निशान लगाएंगे, और यहाँ भी हम धागे का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद सिलाई को यहाँ तक लेके आएंगे और उसके बाद हम एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देंगे। व्यूअर्स, अब हम इस कॉर्नर पे धागे को सेट करेंगे। इस तरह से धागे को डबल करने के बाद अब हम यहाँ इस कॉलर के अंदर इसको इस तरह से सेट करेंगे। व्यूअर्स, अब हम इस कॉर्नर पे भी धागे को सेट करेंगे इस तरह से। इस तरह से दोबारा डबल करने के बाद अब हम कॉलर के अंदर इस तरह से इसको अंदर सेट करेंगे, और अब हम दोबारा सिलाई यहाँ तक लेके आएंगे। व्यूअर्स, हमने ये कॉलर की सिलाई लगा ली है, अब हम ये एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देंगे। व्यूअर्स, अब हम यहाँ छोटे छोटे कट लगाएंगे। व्यूअर्स, अब हम कॉलर को पलटेंगे और धागे से कॉर्नर को पूरा टर्न करेंगे। व्यूअर्स, हमने कॉलर को पलट के इस्त्री से सेट कर लिया है, और व्यूअर्स ये प्लास्टिक के पीस हैं जो कॉलर के साथ मिलते हैं कॉर्नर्स को स्ट्रांग बनाने के लिए, तो इनको भी हम यहाँ कॉर्नर पे सेट करेंगे। इनको यहाँ हम कॉर्नर पे सेट करेंगे, और यहाँ भी हम एंकर थ्रेड से डबल सिलाई लगाएंगे। इसी तरह से हम दूसरी साइड में भी सेट करेंगे।
व्यूअर्स, ये हमने एंकर थ्रेड से एक सिलाई लगा ली है। अब हम यहाँ डबल सिलाई लगाएंगे। व्यूअर्स, ये हमने एंकर थ्रेड से डबल सिलाई लगा ली है। अब हम इस धागे को निकाल देंगे। व्यूअर्स, अब हम कॉलर को इस तरह से डबल करेंगे और यहाँ सेंटर में कट लगाएंगे। हमने कॉलर के सेंटर में कट लगाया है और बैन के साइड से हमने एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके यहाँ भी सेंटर में कट लगा लिया है। और यहाँ हमने नीचे की तरफ हमने सिलाई का मार्जिन लिया है, इसको हम अंदर की तरफ टर्न करके यहाँ ऊपर की तरफ सिलाई लगाएंगे। यहाँ हम एक पैर के मार्जिन से सिलाई लगाएंगे। व्यूअर्स, अब हम बैन के दूसरे पीस को भी इसी शेप में कट करेंगे। व्यूअर्स, अब हम बैन के दूसरे पीस को भी इस तरह से टर्न करने के बाद सेंटर में कट लगाएंगे। इस तरह से व्यूअर्स, अब हम फ्यूजिंग वाले बैन को कॉलर के ऊपर सेंटर से सेंटर मैच करते हुए इस तरह से रखेंगे और सबसे पहले यहाँ किनारे पे सिलाई लगाएंगे। व्यूअर्स, अब हम यहाँ दूसरी साइड में सिलाई लगाएंगे। व्यूअर्स, अब हम इस दूसरे पीस को इस तरह से सेंटर में सेट करने के बाद स्टिच करेंगे और इस तरह से टर्न करेंगे। व्यूअर्स, अब हम यहाँ दूसरी साइड में सिलाई लगाएंगे। व्यूअर्स, हमने कॉलर को स्टिच कर लिया है। सबसे पहले हमने बैन को कॉलर पे सेट करने के बाद यहाँ पे किनारे पे सिलाई लगाई। उसके बाद हमने बैन के डबल पीस को यहाँ पे सेट करने के बाद यहाँ पे एक पैर के मार्जिन से सिलाई लगाई। तो अब हम यहाँ पे इजाफी कपड़े को कट कर देंगे। और यहाँ कॉर्नर्स को भी कट करेंगे। तो अब हम कॉलर को टर्न करेंगे। व्यूअर्स, अब हम यहाँ से एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए इजाफी कपड़े को कट कर देंगे।
व्यूअर्स, अब हम कॉलर को प्रेस करेंगे और शर्ट के साथ अटैच करेंगे। व्यूअर्स, हमने कॉलर को प्रेस कर लिया है। ये हमारे कॉलर की फ्रंट साइड है और ये बैक साइड है। तो हमने यहाँ सेंटर में कट लगाया है। अब हम गले के सेंटर से कॉलर का सेंटर मैच करते हुए इस तरह से यहाँ से सिलाई यहाँ तक लेके आएंगे और इसी तरह से फिर यहाँ से सिलाई दूसरी साइड तक लेके जाएंगे इस तरह से। तो पहले हम सेंटर से शुरू करेंगे। व्यूअर्स, अब हम यहाँ दूसरी साइड पे सिलाई लगाएंगे। व्यूअर्स, हमने अंदर की सिलाई पे कट लगाए हैं। अब हम इस सिलाई के मार्जिन को अंदर की तरफ टर्न करते हुए कॉलर को इस तरह से सेट करेंगे और यहाँ बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगाएंगे। व्यूअर्स, अब हम यहाँ ऊपर डबल सिलाई लगाएंगे। व्यूअर्स, हमने कॉलर अटैच कर लिया है। अब हम यहाँ काज करवा के बटन लगाएंगे और आपको फाइनल लुक दिखाएंगे। तो व्यूअर्स, इस तरह से हमारी ये एंकल स्टिचेस वाली शर्ट मुकम्मल हो चुकी है। हमने यहाँ प्लेकेट पे काज करवा के डबल बटन लगा दिए हैं। पॉकेट की कैप पे भी हमने डबल बटन लगाए हैं। एक एक बटन हमने शोल्डर डिज़ाइन पर लगाया है और एक एक बटन हमने स्लीव की वी शेप पर लगाया है।
व्यूअर्स, इस तरह से अगर आप शर्ट बनाना चाहें तो आपको इस प्लीट की वजह से फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट की निस्बत एक इंच बड़ा रखना पड़ेगा और इसी तरह से फ्रंट आर्म होल को भी बैक आर्म होल की निस्बत एक इंच बड़ा रखना होगा। तो व्यूअर्स, कॉलर अटैच करने के लिए ख़ास तौर पे बिगनर्स को मेरा ये मशवरा है कि आपका जितना भी कॉलर हो आप उस हिसाब से गले को पहले कम साइज़ में कट करें, फिर अगर आप ये देखें कि आपका गला कॉलर की निस्बत कम है तो आप उसे मज़ीद कट करके कॉलर के बराबर कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, इसके साथ साथ आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने मेरे चैनल को इतना पसंद किया। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स पढ़ के बहुत खुशी मिलती है। तो इसी तरह से मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए और देखते रहिए ग्लैमरस डिज़ाइनिंग वीडियोज़। तो अपनी अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़।